दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। केंद्रीय राज्य मंत्री विजय सांपला की ओर से एक विशेष प्रेस वार्ता का आयोजन होशियारपुर में किया गया, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा होशियारपुर व कपूरथला शहरों के विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपयों की ग्रांट प्रदान करने की जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत लगभग 900 करोड़ रुपये और आईपीडी स्कीम के तहत लगभग 600 करोड़ रुपये की ग्रांट प्रदान की जाएगी। इस से इन शहरों के आसपास के इलाकों व क्षेत्रों में सड़क, पानी तथा बिजली की सभी जरूरतों को पूर्ण किया जाएगा, जिसे आने वाले वर्षों में किसी भी नागरिक को किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद थे। चीफ के नाल मीटिंग थी होशियारपुर और कपूरथला दो जिले में लेके। इस बार पहली बार है कि केंद्र सरकार बहुत बड़ी रकम जी है पंजाब के बिजली के सिस्टम को ठीक करने वास्ते दे रही है, जिद लगभग 100 करोड़ रुपया सिर्फ होशियारपुर ही 101 करोड़ रुपया जोड़ा होशियारपुर ही दिता जा रहा, जिस पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के DDU GJY के अधीन लगभग 61 करोड़ रुपया, जिदे नाल पिंडा दे विच सब स्टेशन लगाना और उन्होंने जिहड़े पुराने कमजोर कंडक्टर जिहड़ियां तारां वो बदली करके उन्होंने वड्डियां तारां लगानियां, नवे ट्रांसफार्मर लगाने, पुराणियां नूं भी सारियां नूं रिप्लेस, जिथे छोटे ट्रांसफार्मर लगे उस तो उहदी दुगनी कपैसिटी तो भी वध दे जिहड़े आ ट्रांसफार्मर जिहड़े लगाने आ, ताकि आने वाले 20 साल दे विच कित भी ओवरलोड ना तो स्टेशन हो ना कोई भी ट्रांसफार्मर, इस मन के इस तरह जो अगला प्रोग्राम बनाया जा रहा। और ये जिते कितने अंडरग्राउंड जिते ओपन कंडक्टर वो जगह देते लोड अनुसार PVC केबल्स पानी है, भाव ये कह सकते हैं कि बिजली का अपने आप एक नव जोड़ा क्रांति जी आने वाले समय के सू नज़र आएगी। इस तरह ही शहर के भी एक IPDS इंटरग्रेटिड प्रोग्राम फॉर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम गवर्नमेंट सिस्टम IPDS के तहत अभी 7 शहर जिस मालपुर हरियाणा गढ़दीवाल टांडा दसूहा मुकेरिया तो तलवाड़ा ही ले आ, इन्हों के सारे ही जोड़े आ ट्रांसफार्मर कोई भी ट्रांसफार्मर जो 100 KVA तो छोटा नहीं होगा, 100 या उस तो वध की कपैसिटी के जोड़े लगाए जाएंगे और जिते कंडक्टर चेंज करने हैं उन्होंने कंडक्टर भाव तारा बदली किया जाऊगा और नवे ट्रांसफार्मर नवी लाइन और जिन्हें शहरों के पहले एक ही फीडर चलता सी उत्थे 2 फीडर तहत उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन की जाएगी और इस तरह के सिस्टम रखे जाएगा कि अगर किसी कारण बस एक फीडर जो फेल भी हो जाता तो दूसरे फीडर के उत्ते भी पूरा शहर चल सके। इस कपैसिटी का जोड़ा सिस्टम पंजाब के बिजली के एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन लियान के बहुत बड़ा कदम है और पिछले 60 साल अज तक कभी भी केंद्र ने इस पक्ष वाल ध्यान नहीं दिता से, ये माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व कि हर जगह देते क्योंकि सड़क बिजली पानी तो सड़क जी लोगों की बुनियादी सहूलत है, जिथे उन्होंने नैशनल हाईवे पूरा किया उ बिजली और पानी की सहूलत में भी पूरा कर, एक बहुत बड़ा कदम है और लगभग 900 करोड़ रुपया जोड़ा है वो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना और इस तरह ही लगभग 700 करोड़ रुपया जोड़ा है IPDS की असं कह सकते हैं कि टोटल 1500 करोड़ रुपया जोड़ा पंजाब में सिर्फ बिजली के सिस्टम में ही सुचारू करने शायद इन शुरू करा पर अगले आने वाले साल किसी भी किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए और एक बहुत बड़ी जी इमदाद सरकार मिली है। सो मैं केंद्र सरकार को जिसे असी धन्यवाद भी करते हाँ नरेंद्र मोदी जी का जिन्हों की गड्डी वधिया सोच में लैके अब पंजाब में असं विकसित कर जा रहे हैं, उत्थे पावरकॉम भी बड़ा जो अपनी
ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ